वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हो सारे? होप करता हूँ कि सारे भाई अच्छे होंगे। तो भाई मैंने अपनी पुरानी वीडियो में आपको बताया था कि ट्रेलर आने वाला है और शोरूम भी एकदम खाली हो चुका है, ट्रैक्टर सारे सोल्ड आउट हो गए हैं, सारे सेल हो गए हैं। तो भाई यहाँ देखो, ये रहा ट्रेलर और अभी दिखाता हूँ आपको कि कौन कौन से HP के ट्रैक्टर आए हैं, कौन कौन से मॉडल हैं। और ये भी देखना हमको भाई कि 2024 अभी भी आया कि नहीं आया। तो कंटिन्यू करते हैं वीडियो को, आप लोग भी वॉच करते रहो और देखते रहो क्या क्या होता है वीडियो में। साथ ही अभी शोरूम भी देखो ओपन नहीं हुआ है। ये रहा मिश्रा ट्रैक्टर, आप लोग देख लियोगे बोर्ड, तो धीरे धीरे ओपन होगा, फटाफट से ओपन हो गए फिर ट्रैक्टर पे रैंप, यहाँ ट्रेलर पे रैंप लगेगा इस पे और ये ट्रैक्टर सारे उतारे जाएंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का वीडियो और आप लोग कंटिन्यू रखो, वॉच करते रहो बस। बाकी चलते हैं गाइस, कंटिन्यू करते हैं। आपको एक खुशी वाली बात मैं ये भी बताने वाला हूँ कि 2024 का जो मार्का होता है, मतलब कि इनके जो चेचिस पे लिखा होता है 24 या 23 जो मॉडल का ट्रैक्टर रहता है, तो मैं ये बता दूं कि भाई 2024 का ये आ चुका है और फाइनल रिव्यू इसका हम करेंगे, एक दिन वीडियो बनाएंगे इस पे 2024 वाले पे और बताएंगे कि कंपनी ने कुछ चेंज किया इसमें, कुछ मॉडिफाई किया या फिर वही सारी चीज़ें दे के रख दी जो पहले से आती रहती थी पहले वाले कुबोटा ट्रैक्टर में। तो वो सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। बाकी आज तो ये ट्रेलर का वीडियो मिलने वाला आपको, ये ट्रैक्टर उतर जाए, आज सिर्फ इतना ही मैं कवर करूंगा वीडियो में। तो भाई वीडियो कंटिन्यू रखो और अभी दिखाते भी हैं आपको इसका चेचिस प्लेट भी कि ये 2024 का मॉडल है या 23 का, तो आप उससे कन्फर्म हो जाना, मेरे कहने पर मत जाओ, नहीं तो मैं झूठ भी बोल सकता हूँ। और वैसे बोलता तो नहीं लेकिन कुछ लोग तो यही मानते हैं कि झूठ भी बोलते हैं यूट्यूबर्स, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा रियलिटी। और भाई एक चीज ये भी जान लो कि 2024 का मॉडल कोई भी कंपनी अदर कंपनी की बात करे तो वो दे नहीं रही है। और यहाँ देखो आपके सामने ये 2024 का मॉडल आ चुका है जो कि भाई आप कुबोटा के मिश्रा ट्रैक्टर से सिर्फ पा सकते हो। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने खुद बात करके जो ऑर्डर लगवाया था उसमें मैंने बोला था कि भाई 2024 कंपलसरी कर दो कंपनी वालों से बात करके कि 2024 का ट्रैक्टर आना चाहिए, मतलब इस ये चीज़ होना चाहिए, क्योंकि भाई देखो मैं मुझे वीडियो बनानी रहती है तो इस वजह से मुझे तो चाहिए ही पहले, तो इसलिए मैंने मंगवा लिया। और बाकी कुबोटा कंपनी भी मैन्युफैक्चर कर दी है 2024 का मॉडल, बाकी अदर कंपनी में अभी आ नहीं रहे हैं ये चीज़, तो आप लोग देखते रहो। बाकी उतर जाए ट्रैक्टर तो मैं दिखाता हूँ इसका चेचिस प्लेट। तो गाइज मैंने आप लोगों से बोला था पुरानी वीडियो में कि भाई देखो जैसे ही ट्रैक्टर आ जाएंगे वैसे ही मैं वीडियो इस पर बना दूंगा, मतलब 2024 वाले मॉडल पे। तो आप लोग ट्रस्ट नहीं करते यार, ट्रस्ट किया करो ना, आप लोग तो मेरी फैमिली हो, तो मैं जो चीज़ बताऊंगा हमेशा रियल चीज़ बताऊंगा और सच बताऊंगा, कभी झूठ नहीं बताऊंगा। तो देखो जो चीज़ था और वो सामने भी आ गया और बाकी आपको वीडियो में तो दिख ही जाएगा। तो चलिए देखते हैं भाई, बहुत जल्दी आ गए भाई, तुम कहाँ थे? अच्छा 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 सिलेंडर। तो भाई इधर देखो फाइनली सोनू भी आ गया और अब ये ट्रैक्टर उतारेगा, तो चलो भाई जल्दी से चलते हैं, फटाफट से ट्रैक्टर उतरवाते हैं। तो भाई हम भी चलते हैं ट्रेलर के पास और वहाँ पे रैंप वगैरह लगेगा, फिर उसके बाद ट्रैक्टर भी उतरेगा फटाक से, तो देखते हैं भाई क्या होता आगे का प्रोसेस, मज़ा आने वाला भाई खतरनाक। आज तो भाई 24 मॉडल आ गया, 2441 आ गया, 2441 नहीं ट्रैक, ये 27 HP वाला 24 मॉडल आ गया, 24 मॉडल आया भाई। हाँ अब तुम समझे भाई, इसको लगा कि 24 HP का ट्रैक्टर आया, तो मैं ये बता दूं कि 24 मॉडल आ गया है
2024 वाला, और होप यही है कि अब जितने भी ट्रैक्टर आएंगे सारे 2024 के ही आएंगे, ऐसा है कि नहीं भाई? अब जितने भी ट्रैक्टर आएंगे सारे 24, तो भाई अब जितने भी ट्रैक्टर आएंगे सारे 2024 के ही आएंगे जो मैन्युफैक्चर होंगे, और होगा सिस्टम हैंग। तो भाई फाइनली देखो ट्रेलर हो गया है सेट, और सबसे पहले उतरेगा अपना ये 2741S। अब सोचो भाई कि यहाँ पे 27 HP का ट्रैक्टर आ रहा है जो कि यार कहीं इतना ज़्यादा सेल ही नहीं होता है। अभी आप पुरानी वीडियो में देखोगे तो उसमें भी 27 आया था। तो भाई इतना कॉस्टली होने के बाद भी और इसे सेल किया जा रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है हर जगह पे इसे सेल करना या समझाना हर किसी को, क्योंकि भाई इतना छोटा ट्रैक्टर में अगर आप इतने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो तो शायद आपको कोई चीज़ मिल रहा है तभी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो चीज़ लोग समझना नहीं चाहते, और जो समझ जाते हैं वो भाई यही लेना चाहते हैं। तो ये देखो भाई ये है 27 HP का, और इसका मैं मार्का दिखा दूँ आपको। आप लोग देख लिए होंगे, मैंने उस पर फोकस भी कर दिया कि ये 24 मॉडल है, 2024 का मैन्युफैक्चर हुआ। तो भाई इसमें क्या कुछ चेंजेस आए होंगे 2024 वाले में, देखना पड़ेगा। अच्छा क्या कंपनी वाले कुछ बता रहे थे कि हाँ वो क्या क्या नया देंगे इसमें? नया ये है। क्या चीज तुम्हें क्या लगता है, तुम गैस करो। अभी देख के बता रहे थे। नहीं क्या बताए थे, जैसे ये क्या कहते हैं ये कौन से सर आते, पंकज सर, ये कुछ बताए थे क्या? बताए थे सर, बताए इको पीटीओ है इसमें भाई, इको पीटीओ ये नहीं था पहले? अब देखो ये चीज मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जो पुराना 27 HP आया है उसमें मैं देखूंगा कि ये इको पीटीओ है कि नहीं। यहाँ पे देखो लिखा हुआ आपको दिख रहा है, ये नया स्टीकर लग रहा है मुझे। तो भाई देखो ये नई चीज इसमें आ गई, और इसका भी हम वर्क जानेंगे, देखेंगे, इस पर भी डिटेल रिव्यू करेंगे, इसका वीडियो बनाएंगे बढ़िया से। और ये देखो भाई यहाँ पे रस्सा खुल गया है बढ़िया से, और यहाँ लगेगा रैंप, और रैंप लग के ये ट्रैक्टर नीचे आ जाएगा। फाइनली देखो ये रैंप भी लग गया है, और अब इसकी उतरने की बारी आ गई है। चालू करो भाई, ये देखो स्टार्ट हो गया ट्रैक्टर, छोटू ट्रैक्टर भाई, इसको छोटू ट्रैक्टर के नाम से बहुत सब जानते हैं, इसको नहीं बात होगे? अगर ये खिसका तो फिर बांध लेना। तो भाई यहाँ देखो दो पहलवान इसको संभालने के लिए रेडी हैं, और यहाँ पे ये देखो ओए बांधो, देखो खिसक रहा भाई, ये संभालने से नहीं होगा। आप लोगों ने रिजल्ट देख लिया कि मतलब ये खिसकना स्टार्ट, ये ट्रैक्टर जैसे ही आगे बढ़ना शुरू हुआ तुरंत ये खिसकना स्टार्ट हो गया, और यहाँ पे देखो भाई अब बच जाएगा तो फिर ये खिसकने का चांस नहीं रहेगा, तो ये भाई ट्रैक्टर आराम से उतर पाएगा। तो अब कंटिन्यू करते हैं ब्लॉक को, बढ़ाओ फोर व्हील ड्राइव लगाओ। तो भाई ये देखो ये रहा फोर व्हील ड्राइव का, अपना भी एक अलग ही वो है, मतलब फोर व्हील ड्राइव होने का बेनिफिट आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया होगा कि टायर स्लिप कर रहा था और फिर आसानी से ये चढ़ गया। बस यही लगा लेना था। वो ट्रैक्टर उतर गया, और ये भी उतरने वाला है, तो अभी देखो भाई रैंप इधर आ जाए फिर इसको उतारेंगे ट्रैक्टर को, और हमको देखना। देखो भाई इको पीटीओ में अभी जो मैंने पूछा इनसे, पप्पू जी जो हैं मैकेनिक यहाँ के, उन्होंने ये बताया कि भाई ये रिवर्स भी है, और मतलब ये क्या कहते हैं नॉर्मल
नॉर्मल पीटीओ भी मिलेगा आपको और रिवर्स भी मिलेगा, फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों पीटीओ। तो फॉरवर्ड और रिवर्स जैसे कि बड़े मॉडल के ट्रैक्टर में आता था 45 और 55 में, तो वो चीज़ शायद अब इसमें भी आने लगी है। तो अभी मैं देखो इनसे नॉर्मल पूछा हूँ, ये चीज़ मैं कंपनी वालों से पूछूँगा तो वही बताएंगे। और मुझे भी यही लगता है कि यही चीज़ है, बाकी और क्या खास अंतर ये लॉन्ग वीडियो में आपको इसके वीडियो में मिलेगा तो वो चीज़ आपको। तो भाई अभी देखो सोनू कहीं से कुछ पता करके आया तो ये बताएगा कि क्या क्या दिया भाई बताओ तुम। अब इसमें पहले जो चाबी आता था वो दूसरे तरह का आता था। अच्छा, अब इसमें इस तरह का आ रहा है। तो ये तो पिछले ट्रैक्टर में ही चेंज हो गया था भाई, पिछले ट्रैक्टर में चेंज हो गया था मगर छोटे वाले में, अब बड़े वाले में। तो भाई अब इसमें बड़े जैसी चाबी भी आने लगी है, पहले इसकी चाबी पूरी स्टील बॉडी की थी और अब इसमें देखो मतलब बड़े ट्रैक्टर जैसा। और क्या, एक इको पीटीओ हो गया। देखो भाई जो चीजें हैं मैं लॉन्ग वीडियो में बताऊंगा तभी आप समझ पाओगे। और मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टीयरिंग भी एडजस्ट होता है ऊपर नीचे, होता है कैसे होता है? तो भाई अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये होता कैसे है। अगर ये होगा एडजस्ट करने वाला स्टीयरिंग को तो ये भी मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे होता है। बाकी अभी चलते हैं उधर, आओ सोनू आ जाओ इधर आ जाओ, ट्रैक्टर को उतरवाते हैं इसको। और ये भाई टायर साइज, ये कौन सा टायर साइज है, ये टायर साइज जान दो आप। ये 6/50/20 है भाई, ये देखो यहाँ लिखा हुआ मिलेगा आपको। देख लियो आप लोग, 1/7/50 में आता तो ये 6/50/20 वाला है। बाकी MRF तो है ही, आप लोग देख के ही जान रहे हो कि कौन सा टायर साइज है ये। आओ 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 लेके तुम, भाई ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। एक मिनट भाई मैं आपको पहले दिखा दूं कि ये 24 का ही है। ये देखो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर इन 24। तो अब आप लोग को विश्वास हो गया होगा कि हाँ मैं सही बोल रहा हूँ। बाकी ये भी ट्रैक्टर उतरेंगे तो मैं वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं करूंगा, नहीं तो अगर इन सारों के उतरते, ये जितने भी और ट्रैक्टर हैं ये भी दोनों 5502 ही हैं, यही मॉडल है, तो काफ़ी टाइम लगने वाला, तो इसलिए मैं ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा वीडियो। आज की वीडियो भाई मैं यही एंड करता हूँ और आप लोग थोड़ा सपोर्ट और प्यार बनाओ मेरे ऊपर। 2024 पे लॉन्ग वीडियो हमारी बहुत जल्द आने वाली है, तो आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, वीडियो शेयर करो, अपने दोस्तों तक पहुँचाओ, जिससे ये वीडियो मेरी आप लोग के हेल्प से थोड़ी और ग्रो कर सके और लोगों को एक अच्छी नॉलेज मिल सके। तो मिलते हैं भाई, सी यू इन न्यू वीडियो, और के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइज़।